Hello everyone, here we have Saitul Kasturi with us, All India Rank 92 in GATE CSE 24. So first of all, heartiest congratulations to you for securing this rank. Thank you. Okay, so starting off with, how are you feeling right now? I'm feeling very happy. मेरे parents भी बहुत खुश हैं, तो मैं obviously खुश ही रहूँगा. और मेरे मतलब जो रिश्तेदार हैं वो भी बहुत मतलब खुश हैं, तो हाँ. Okay, so starting off with, when did you decide for your that you want to prepare for GATE, and what was your journey basically? मैं 10th के बाद तो IIT में जाने का dream था. वो तो मैं JEE तो क्लियर हो गया था, पर एडवांस क्लियर नहीं कर पाया था, तो वो छूट गया था मेरा. तो मैं उतना सोचा नहीं, मतलब मैं सोचा कि मेरे में कमी है भाई, सब लोग अच्छे से मतलब करके जा रहे. कुछ दोस्त मेरे गए IIT में, तो मेरे को लगा मैंने ही थोड़ा बहुत मतलब मेहनत नहीं किया, तो उसके लिए रुक गया था मैं. तो फिर से सेकेंड ईयर तक आने तक मेरे को बाद में सेकेंड ईयर में पता चला कि GATE करके मतलब है GATE, तो उससे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि सेकेंड अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि मैं जा सकता हूँ IIT में. तो उस वजह से मैं सर्च करना चालू किया. तो कोरा पे मेरे को विजन GATE का पूरा वही पूरा स्लाइड्स दिखे जा रहे थे. आरएसवी सर हर कमेंट में वही. मैं मतलब मैं एक बार पढ़ के फिर से मैं यूट्यूब पे गया, एक बार लेक्चर देख लेता हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा. फिर से मेरे पेरेंट्स गए एडमिशन के टाइम पे, आके थोड़ा सर से बात किए, तो अच्छा लगा था. हाँ, ये बाद में मैं अभी डिफ़िकल्टीज तो मेरे को बहुत आए थे बीच में, क्योंकि लिए मेरे को एक दो महीना मतलब समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि लिए सर का जो लेवल है वो उतना मैं रीच नहीं कर पा रहा था. तो मैं सर से भी बहुत बार बात किया था, पर हाँ वो सर बोले हो जाएगा आराम से, एक दो महीने में कोशिश करो, अपने आप वो समझ में आ जाएगा. तो ये मेरे को बहुत मतलब सर बहुत मोटिवेट करते हैं कि हो जाएगा, कुछ टेंशन नहीं ऐसा करके. So a long lost dream with patience that you have achieved. Great. So moving on, as you discussed about your difficulties, so when there was a time period, as you mentioned, it was difficult for you to understand. So how did you keep yourself calm for those 1 to 2 months? Like, ki, yes, I'd be able to understand. हाँ, मैं मतलब मैं third year में जब दे रहा था GATE, मतलब third year में मैं attempt पहला first attempt मेरा third year में था, तो मैं उतना कवर नहीं कर पाया था. सिर्फ मैं 4 to 5 सब्जेक्ट्स ही कवर कर पाया था. बहुत मैं कॉलेज में ध्यान दे रहा था, कॉलेज के एक्टिविटीज़ या कुछ ऐसे कुछ भी इवेंट्स होते हैं उसमें मैं बहुत मतलब GATE को उतना प्रायोरिटी नहीं दे रहा था. उस वजह से मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था. सिर्फ मेरे 27 मार्क्स आए थे थर्ड ईयर में, तो मेरे को फोर्थ ईयर में तो कैसे भी करके कुछ ना कुछ करके करना ही था. तो मैं पूरा मतलब कॉलेज का मैं देखा ही नहीं, मतलब साइड पे रख दिया. सिर्फ इम्पोर्टेंट कंपलसरी लेक्चर्स है या फिर प्रैक्टिकल्स है, प्रेजेंटेशन है, सिर्फ वही जाता था. बाकी मैं पूरा घर पे बैठ के ही मेरा अलग से GATE का ही करता था. और ये क्लासेस में भी बहुत मतलब बहुत मदद किया. ये मतलब क्लास नहीं मिलता तो मतलब मैं तो खुद ऐसे मतलब जब मेरे को लेक्चर समझ रहा था, लेक्चर ये सब जो भी पढ़ा रहे थे ये सब समझ रहा था, तो मेरे को मतलब घर पे मैं पापा से एक बार बोला था कि मेरा पापा इधर नहीं हो जाएगा ना, कुछ मेरा किधर नहीं होने वाला, क्योंकि ले इतना अच्छा मतलब मेरे को कोई मिलेगा भी नहीं. अगर मैं मतलब मैं ऐसे खुद को बोल रहा था कि इधर नहीं हो पाएगा ना, अगर IIT नहीं जा पाऊंगा तो किधर भी नहीं जा पाऊंगा, वो मेरे में कमी है. तो उस हिसाब से मैं मतलब मेरे लाइफ में ये बेस्ट पार्ट है कि ऐसे सर मिल जाए, कि मतलब मैं ऐसा कभी वो ही नहीं कर पाऊंगा, कभी मैं बता भी नहीं पाता हूँ सर को कि ये मतलब ऐसा है सर, बहुत मैं डर जाता हूँ बहुत. तो उसके हिसाब से बहुत मेरे को मदद किए सर. हाँ, ये तो जैसा आपने बताया कि आपको सर ने बहुत मदद किया है, तो इसके बाद मतलब लाइक आपका एक पोर्शन कवरेज हो गया होगा, तो पोर्शन कवरेज के बाद आता है मॉक टेस्ट का सीजन, विच इज लाइक क्वाइट डिप्रेसिंग एंड समटाइम्स हैप्पी. तो ये सारी बहुत सारी इमोशंस एक साथ मेरे को मतलब ग्रुप तो बहुत थे मेरे, मतलब जो सीनियर्स थे. अभी सीनियर्स का नाम मतलब अनुष्का,
प्रीतम, आकाश, बहुत जन मदद किए, मतलब बहुत दिन में 25-30 डाउट तो अनुष्का से पूछे जाता था। आगे बैठती थी अनुष्का, ये अनुष्का, ये अनुष्का, एक बार भी नहीं नहीं बोली, समझाती गई, मतलब बहुत अच्छे, मतलब इतना ग्रुप जो इधर इतना पढ़ने के लिए ये एनवायरनमेंट जो है वो किधर, मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत बेस्ट है, मतलब अच्छे से सब हेल्प करते सबको आगे बढ़ने के लिए, वो बहुत अच्छा लगा। और डिफिकल्टीज के मतलब जब मॉक टेस्ट ये सब देता था उसमें क्या होता है, जो कंसेप्ट नहीं आ रहा है तो मैं क्या करता था, वर्ड डॉक्यूमेंट बना लेता था, उस टॉपिक का जो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसमें सब स्टोर करते जाता था। जब अपना ये टॉपिक टेस्ट आता है, टॉपिक टेस्ट आएगा तो वो टॉपिक टेस्ट से पहले जो टॉपिक में मैंने डाउट्स करके रखा था वर्ड डॉक्यूमेंट में वो पहले सॉल्व कर लेता था। ये भी मैं वो मतलब प्रीतम इन लोग से देख के मैंने मतलब बना, इन लोग ऐसे कर रहे हैं, उन लोग सक्सेस है अभी, तो भाई मैं भी ऐसे करूँगा तो अच्छा रहेगा करके। जैसा आपने बताया कि आपने थर्ड और फोर्थ ईयर में ही साथ में किया है, तो कॉलेज को और गेट की प्रिपरेशन को एक साथ मैनेज करने के लिए कितना कुछ करना पड़ा, एंड फोर्थ ईयर में तो प्लेसमेंट्स भी होते हैं, तो सबको भी साइड में रखना और फिर गेट के लिए प्रिपेयर करना, सो हाउ वाज ऑल? कॉलेज में थोड़ा, हाँ मैं बहुत कम जाता था कॉलेज, तो उतना प्रेशर तो रहता है हर जगह पे, प्रैक्टिकल हो या फिर प्रेजेंटेशन, उतना मैं इन्वॉल्व नहीं हो पाता था जितने, मतलब मैं ऐसे ग्रुप चुन लेता कि उन लोग प्रोजेक्ट आधे से ज़्यादा कर दे तो मेरे को टाइम मिल जाए गेट करने के लिए, तो मैं ऐसे प्रोजेक्ट ग्रुप में जाता था कि मेरे को टाइम मिल जाए इधर, या कॉलेज में ना जाना पड़े ज़्यादा से ज़्यादा, तो मेरे को उस वजह से बहुत मेरा ये हुआ, मेरा ग्रुप अच्छा था उधर, मतलब सब में, हाँ हाँ थोड़ा बस हो जाता है। सो जैसे आपकी जर्नी रही, तो आपने बहुत सारे लोग का बीच बीच में नाम लिया, आरएसवी सर कर लिया, आपने सीनियर्स कर लिया, तो ऑन एन एवरेज अगर मैं आपसे पूछूं तो किसका मेन कंट्रीब्यूशन था आपकी इस पूरी जर्नी में और इस पूरे रिजल्ट एज अ सक्सेस? ऐसा ऐसा मतलब आरएसवी सर का तो है, वो तो फैक्ट है, मतलब ऐसा मैं एक दो नाम नहीं बोल सकता, बहुत जन मदद किए, आतिफ, सानिध्य, दिनेश, बहुत बहुत मतलब बहुत जन है, अभी एक का भी नाम नहीं लूंगा तो हाँ पीयर ग्रुप तो बहुत मतलब बहुत सही है। सो वन थिंग दैट यू फील लाइक कि यहाँ पे एक ऐसा कुछ तो आपको ऐसा लगा हुआ था कि अच्छा ये चीज़ यहाँ पे ना ऐसी स्पेशल है, इसके लिए इट चेंज मी फ्रॉम समवन हु बिलीव कि मैं नहीं कर पाऊंगा, हाँ, टू समवन हु डिड। यहाँ पे आने से पहले मैं कभी मतलब आईआईएससी, आईआईटी बॉम्बे ये तो सोचने उधर जाऊंगा ऐसे कुछ मतलब कुछ सोचता भी नहीं था, मतलब ये सब आईआईटी ये सब मैं दूर दूर था, मतलब जाना है कैसे ये नहीं मालूम, जाना है बस, ये इधर आके मतलब ऐसे ऐसे करो हो जाएगा भाई, इजी हो जाएगा, ऐसे ऐसे ये स्टेप्स है, ये सर जो बोल रहे वो बात जो सर बोले भाई करना ही है, ख़त्म, वो होएगा होएगा ही, सर जो बोल रहा है पक्का करना ही है, वो अपने आप हो जाता है, सिर्फ मतलब फ्लो के साथ जाने का है, बिछड़ गए तो ये प्रॉब्लम हो जाता है, तो हमेशा कांटेक्ट में रहने का बस हो जाता है बहुत, हाँ ओके। तो जैसे आपने बताया कि आपने थर्ड ईयर में एक बार किया, उसके बाद आपने फोर्थ ईयर में किया, तो कुछ मिस्टेक्स रही होंगी जो आपको पर्सनली लगा कि अच्छा अगर ये नहीं करता तो थोड़ा बेटर, ऐसी कोई मिस्टेक्स जो आप व्यूअर्स से शेयर करना चाहें? मैं थर्ड ईयर में तो मैं सोचा था और एक साल है ना हो ही जाएगा आराम से, मतलब थर्ड ईयर में ही निकाल दूँ, ऐसे थॉट प्रोसेस उतना स्ट्रांग नहीं था कि और एक साल है ना आराम से कर लेंगे उसमें क्या है, ऐसे सोच रहा था, वो बहुत गलत चीज़ है, अगर थर्ड ईयर में ही बहुत अच्छा मतलब उस हिसाब से पढ़ लेता तो ये टाइम पे थोड़ा और अच्छा रैंक आ जाता, तो ये मैंने गलती किया है, बहुत जन ऐसे सोचने का नहीं है, मतलब बहुत जन को थर्ड ईयर से चालू कर देने का है पूरा फुल फ्लैश। जो हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एडवाइस इन टर्म्स मतलब बहुत पैनिक मत होना, मतलब शांत आराम से, मतलब बहुत कनेक्ट हो जाओ सबसे, सब शेयर करो, कुछ भी हो रहा है बोलो दूसरे को, वो कुछ फीडबैक देगा, जो अच्छा कर रहा है उनसे ज़रा पूछो, मतलब क्या भाई ये कैसे हैंडल कर रहे हो, कि मैं ऐसे मेरा ये गलती है, मतलब थोड़ा मैं पेयर ग्रुप, हाँ पेयर ग्रुप भी बोलता हूँ मैं तो, अच्छा पेयर ग्रुप बनाओ
हो जाएगा आराम से। पीयर ग्रुप आपके लिए हाँ, बेस्ट बेस्ट। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग योर टाइम एंड गिविंग दिस। थैंक यू थैंक यू।